हेलो एवरीबॉडी, टुडे वी विल स्टार्ट प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। अच्छा, तो आज आप लोग बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, पेंटिंग्स देखते हैं, सर्कुलर्स, कैलेंडर्स, डायरीज, पोस्टर्स, इमेजेस, बुक्स देखते हैं प्रिंटेड। तो आप लोग को ये लगता नहीं होगा कि इस प्रिंट के डिस्कवर करने के पीछे भी बहुत बड़ी हिस्ट्री है। ओके, प्रिंट जो है वो सबसे पहले ईस्ट एशिया में स्टार्ट हुई थी, उसके बाद धीरे धीरे एक्सपैंड करके प्रिंट यूरोप में आई और इंडिया में आई। ठीक है, अब कैसे कैसे टेक्नोलॉजी स्प्रेड हुई, कैसे कैसे लोगों की लाइफ बदली प्रिंट ने, कैसे कैसे स्टार्टिंग में हैंड रिटन चीज़ें होती थी, उसके बाद प्रिंट पे सब कुछ शिफ्ट हुआ, ये सब चीज़ें पूरा का पूरा डेवलपमेंट वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर। सो प्लीज़ मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। तो सबसे पहले प्रिंट जो थी वो डेवलप हुई थी चाइना में, जापान में और कोरिया में। बेसिकली वहाँ पर एक हैंड प्रिंटिंग सिस्टम चलता था। यू कैन सी दिस इमेज ऑन योर स्क्रीन, आप ये पिक्चर देख सकते हैं। बेसिकली क्या होता था कि पेपर को वुड ब्लॉक्स के ऊपर रब कराया जाता था। ठीक है, ये होते हैं वुड ब्लॉक्स, और उन पेपर्स को वुड ब्लॉक्स के ऊपर रब कराया जाता था एंड इस तरीके से प्रिंटिंग की जाती थी। ठीक है, तो वुड ब्लॉक के ऊपर जो भी पैटर्न बना होता था वो पेपर पे आ जाता था। ठीक है, अब जो पेपर था वो दोनों साइड से बहुत पतला हुआ करता था उस टाइम पर, तो इस रीज़न की वजह से पेपर के दोनों साइड पे प्रिंट नहीं कर पाते थे लोग, तो इसलिए सिर्फ पेपर के एक ही साइड पे प्रिंट कराया जाता था। ओके, तो क्योंकि उस पेपर के एक ही साइड पे प्रिंट हो सकता था, तो चाइना की जितनी भी ट्रेडिशनल अकॉर्डियन बुक्स थी वो सब एक ही साइड से स्टिच होती थी। ठीक है, द इम्पीरियल स्टेट इन चाइना। अच्छा, अब इम्पीरियल स्टेट का क्या मतलब होता है कि जब कोई ग्रुप ऑफ पीपल किसी स्टेट को कंट्रोल करते हैं तो इस चीज़ को बोलते हैं इम्पीरियल स्टेट। तो एक फेज़ आया था बीच में जब स्कॉलर ऑफिशियल क्लास चाइना को पूरा का पूरा सपोर्ट करता था और चाइना को पूरा का पूरा कंट्रोल करता था। ठीक है, तो उस फेज़ को बोलते हैं इम्पीरियल स्टेट। या आप लोग की बुक में मेंशन नहीं किया गया है कि इम्पीरियल स्टेट क्या होता है, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि इम्पीरियल स्टेट बेसिकली क्या होता है कि जब कोई पावरफुल अथॉरिटी किसी भी स्टेट को या फिर किसी भी कंट्री को रूल करे तो इस चीज़ को बोलते हैं इम्पीरियल स्टेट। उस टाइम पे चाइना के अंदर स्कॉलर ऑफिशियल क्लास पूरे के पूरे चाइना के एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल थी। ठीक है, तो उस टाइम पे बहुत सारा जो प्रिंटेड मटेरियल है वो चाइना में प्रोड्यूस होता था। ओके, तो चाइना के अंदर उस टाइम पे ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम चलता था। ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम का क्या मतलब होता है कि एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर बहुत सारी लेयर्स हों, यानी कि बहुत सारे ऑफिसेज हों और उन ऑफिसेज के अंदर बहुत सारे ऑफिसर्स रिक्वायर्ड हों। ठीक है, तो उन ऑफिसर्स को अपॉइंट करने के लिए सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम लिए जाते थे। ठीक है, अब सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम के लिए बहुत सारी टेक्स्ट बुक्स प्रिंट कराई जाती थी। ठीक है, बहुत सारी ह्यूज अमाउंट में टेक्स्ट बुक प्रिंट कराई जाती थी। ठीक है, 16th century से एग्जामिनेशन के अंदर जो कैंडिडेट्स थे वो भी बढ़ने लग गए। ठीक है, तो इस तरीके से वॉल्यूम ऑफ प्रिंट चाइना के अंदर बढ़ने लग गया, क्योंकि एग्ज़ाम के कैंडिडेट्स बढ़ने लग गए तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स की ज़रूरत थी, ज़्यादा से ज़्यादा रिटन मटेरियल की ज़रूरत थी और ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स की ज़रूरत थी। तो इस चीज़ की वजह से चाइना के अंदर जो प्रिंट का पूरा ये एवोल्यूशन जो स्टार्ट हुआ था वो बढ़ने लग गया। ओके, मैंने आप लोग को बताया कि इम्पीरियल स्टेट का क्या मतलब होता है। इम्पीरियल स्टेट मतलब चाइना उस टाइम पे एक ऐसा स्टेट था जिसको स्कॉलर ऑफिशियल्स पूरा का पूरा कंट्रोल करते थे। ठीक है, बट 17th century में क्या हुआ, चाइना के अंदर सिर्फ ऐसा ही नहीं था कि सिर्फ स्कॉलर ऑफिशियल्स ही प्रिंट का यूज़ कर रहे हैं, जो लोकल लोग हैं वो भी प्रिंट का यूज़ करने लग गए। ठीक है, मर्चेंट्स यानी कि जो पर्सन ट्रेड करता है उसको बोलते हैं मर्चेंट। तो मर्चेंट भी अपनी डेली लाइफ में प्रिंट से रिलेटेड चीज़ों को यूज़ करने लग गए, ट्रेड की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए वो प्रिंट को यूज़ करने लग गए। ओके, उसके बाद रीडिंग बढ़ गई थी। बहुत सारे लोग अपने फ्री टाइम में रीडिंग करना पसंद करते थे। तो आप लोग की बुक में एक लाइन लिखी हुई है, रीडिंग इंक्रीजिंगली बिकेम अ लीजर एक्टिविटी। लीजर मतलब कि ऐसी एक्टिविटी जो कि लोग अपने फ्री टाइम में करते थे। तो क्योंकि रीडिंग बढ़ गई थी, रीडरशिप बढ़ गई थी, लोग जो थे वो नॉवल्स पढ़ना पसंद करते थे, पोइट्री पढ़ना पसंद करते थे, ऑटोबायोग्राफीज पढ़ना पसंद करते थे, रोमांटिक प्लेस पढ़ना पसंद करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से जो प्रिंट था वो भी धीरे धीरे बढ़ने लग गया। ठीक है, रिच वुमेन जो थी वो बहुत सारी पोइट्री और प्लेस पढ़ने लग गई थी।
तो पहले तो मैंने आप लोग को बताया कि पहले तो वुड ब्लॉक्स यूज़ होते थे, ठीक है, लेकिन अब इतनी ज़्यादा ऑडियंस बढ़ गई है, इतने ज़्यादा लोग जो हैं वो चीज़ें पढ़ने लग गए हैं, तो इसलिए जो टेक्नोलॉजी थी वो भी बढ़ गई। बेसिकली दो चीज़ें आई मार्केट में, वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक्स और मैकेनिकल प्रेसेस, ठीक है। लेट 19th century के अंदर ये दो चीज़ें आईं जिसकी हेल्प से जो प्रिंट था, प्रिंट का पूरा सिस्टम था वो बहुत ईजी बन गया। हैंड प्रिंटिंग से मैकेनिकल प्रिंटिंग पर शिफ्ट हो गया। यू नो हैंड प्रिंटिंग उस टाइम पर वुड ब्लॉक से की जाती थी जो कि बहुत डिफिकल्ट था, बट जैसे ही ये मैकेनिकल प्रिंटिंग की टेक्निक आई और वेस्टर्न प्रिंटिंग की टेक्निक आई, इसकी हेल्प से प्रिंटिंग बहुत ही ईजी हो गई। ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट अ बुक कॉल्ड डायमंड सूत्रा। ये जो बुक थी ये बेसिकली बुद्धिस्ट ने बनाई थी और ये ओल्डेस्ट जापानीज बुक थी जो कि 868 AD में प्रिंट हुई थी। ओके, इस बुक के अंदर 6 sheets थी टेक्स्ट की, मतलब 6 पन्ने लिखे हुए थे। उसके अलावा इस बुक के अंदर वुडकट इलस्ट्रेशंस भी थे। दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज वुडकट इलस्ट्रेशंस, ठीक है। इस बुक के अंदर जो पिक्चर्स थी वो टेक्सटाइल पे, यानी कि कपड़ों पे, प्लेइंग कार्ड्स पे और मनी पे भी प्रिंटेड थी। ओके, जापान के मिडीवल पीरियड में, जापान का मिडीवल पीरियड बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा पीरियड जब जापान के अंदर बहुत सारे सिविल वॉर्स हो रहे थे, ठीक है। उस टाइम पर जितने भी पोएट्स थे वो बहुत रेगुलरली अपनी बुक्स पब्लिश कर रहे थे और जो बुक्स थी वो बहुत ज़्यादा चीप थी और बहुत अबंडेंट थी, मतलब कि बहुत लार्ज क्वान्टिटी में प्रोड्यूस हो रही थी। ओके, लेट 18th century के बारे में इसके बाद आप लोग की बुक में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। बेसिकली आप लोग की बुक में बताया गया है कि लेट 18th century में जो विजुअल मटेरियल है उनकी भी प्रिंटिंग बहुत बढ़ गई थी। बेसिकली क्या हुआ था कि जो अर्बन सर्कल्स हैं, अर्बन सर्कल्स मतलब बड़े बड़े लोगों के बीच में, जो भी टोक्यो के अर्बन सर्कल्स हैं, टोक्यो का एक दूसरा नाम भी होता है एडो, ठीक है। तो एडो या फिर टोक्यो के जो भी अर्बन सर्कल्स हैं उसके अंदर बहुत सारे विजुअल मटेरियल प्रिंट हुए थे। फॉर एग्जाम्पल वहाँ पर क्या प्रिंट हुआ था, वहाँ पर बहुत सारी पेंटिंग्स प्रिंट हुई थी अर्बन कल्चर्स को डिस्क्राइब करते हुए। बहुत सारी पेंटिंग वहाँ पर प्रिंट हुई थी जिसके अंदर यू नो कोटेशंस को डिस्क्राइब करा गया था। कोटेशंस मतलब बड़े बड़े लोगों को डिस्क्राइब किया गया था पेंटिंग्स के अंदर। उसके अलावा बड़े बड़े लोगों की जो टी हाउस की गैदरिंग्स थी उन पेंटिंग्स के अंदर वो भी डिस्क्राइब की गई थी। ओके, उसके अलावा आप लोग की बुक में बताया गया है कि लाइब्रेरीज और बुक स्टोर जो थी उस टाइम पे, वहाँ पर बहुत सारे हैंड प्रिंटेड मटेरियल थे, यानी कि वहाँ पर बुक्स थी वुमेन से रिलेटेड, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड, कैलकुलेशन से रिलेटेड, टी सेरेमनी से रिलेटेड, फ्लावर अरेंजमेंट से रिलेटेड और कुकिंग और भी बहुत सारी फेमस प्लेसेस से रिलेटेड बुक थी जो कि सारी हैंड प्रिंटेड मटेरियल से बनाई गई थी। ओके, अब अपन पढ़ेंगे कि प्रिंटिंग धीरे धीरे कैसे बढ़ी। बेसिकली चाइना से लेकर ये जो प्रिंट है ये पूरा का पूरा यूरोप तक कैसे आया और बाकी वर्ल्ड तक कैसे पहुंचा, ठीक है। सबसे पहले प्रिंट इंट्रोड्यूस हुआ था चाइना में, चाइना के बाद धीरे धीरे प्रिंट यूरोप में आया। तो अपन वही पढ़ने वाले हैं कि कैसे करके ये जो प्रिंट है वो यूरोप में आया। ओके, तो चाइना के एक रूट से सिल्क और स्पाइसेस यूरोप जाती थी, ठीक है। सिल्क और स्पाइसेस उस रूट से यूरोप जाती थी और बेसिकली 11th century में क्या हुआ कि गलती से या फिर इंटेंशनली, ये आप लोग की बुक में मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन कैसे भी करके पेपर जो है वो चाइना से लेकर यूरोप तक ट्रांसपोर्ट हो गया उसी रूट से, ठीक है। अब जब पेपर यूरोप में ट्रांसपोर्ट हो गया तो पेपर की हेल्प से बहुत सारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखी गई, ठीक है। वो मैन्यूस्क्रिप्ट्स कौन लिखते थे, स्क्राइब्स लिखते थे। अच्छा, अब स्क्राइब्स कौन होते हैं, स्क्राइब ऐसे लोग होते हैं जिनको अपॉइंट किया जाता है डॉक्यूमेंट लिखने के लिए, ठीक है। जब प्रिंट डेवलप नहीं हुई थी तो बेसिकली स्क्राइब वो लोग होते थे जो कि यू नो बहुत सारी चीज़ें सिर्फ लिखते रहते थे सारा दिन और बहुत सारे यू नो डॉक्यूमेंट्स वो लोग बनाते थे, ठीक है। तो जैसे ही पेपर यूरोप के अंदर आया तो बहुत सारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखी गई, स्क्राइब्स को अपॉइंट किया गया बहुत सारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखने के लिए। ओके, ओके, नाउ वी विल स्टडी कि कैसे कैसे करके ये जो प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी है, यू नो सबसे पहले मैंने आप लोग को बताया कि पेपर पूरा का पूरा यूरोप में आ गया था। अब अपन पढ़ेंगे कि प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी जो थी वो यूरोप में कैसे आई। बेसिकली 1295 में मार्को पोलो जो थे वो पूरा का पूरा चाइना का टूर लेके वापस से इटली रिटर्न कर रहे थे। इटली बेसिकली यूरोप में ही है, तो वो पूरा का पूरा चाइना का टूर लेकर इटली रिटर्न कर रहे थे, ठीक है। अब चाइना में क्योंकि वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी थी जैसे कि मैंने आप लोग को पहले बताया था। तो मार्को पोलो जो थे वो चाइना से बहुत सारी चीज़ें सीख के आए थे, ठीक है। तो बेसिकली मार्को पोलो ये वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी भी चाइना से सीख के आए थे, और चाइना से टेक्नोलॉजी सीख के आने के बाद उन्होंने इटली के अंदर भी ये जो टेक्नोलॉजी थी उसको यूज़ करवाया, और धीरे धीरे ये जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी थी ये पूरे के पूरे यूरोप में फैल गई, ठीक है। बट बेसिकली यूरोप में क्या हुआ कि जो रिच लोग थे, ठीक है, जिसको बेसिकली नाम दिया जाता है एरिस्टोक्रेटिक लोग, ठीक है, जो रिच लोग थे वो हमेशा हैंड रिटन चीज़ें यूज़ करते थे। बेसिकली बहुत एक्सपेंसिव पेपर आता था उस टाइम पे जो कि एनिमल की स्किन से बना होता था, उसका नाम था वेलम, उस पर हैंड रिटन चीज़ें लिखी होती थी, वही यूज़ करते थे रिच लोग। और जो भी प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी थी उसका रिच लोग मजाक उड़ाते थे, यानी कि एरिस्टोक्रेटिक लोग जो थे वो प्रिंटिंग की पूरी टेक्नोलॉजी का मजाक उड़ाते थे। आप लोग की बुक में लिखा हुआ है स्कॉफ, एक वर्ड लिखा हुआ है स्कॉफ, मतलब कि जो भी रिच लोग थे एरिस्टोक्रेटिक लोग थे वो प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी के प्रिंटिंग से जो भी बुक्स बनती थी, ठीक है, उसका सबका मजाक उड़ाते थे, ओके। और एरिस्टोक्रेटिक लोग सिर्फ और सिर्फ रिटन चीज़ें यूज़ करते थे। एक बहुत, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, एक पेपर था जिसका नाम था वेलम, वो एनिमल की स्किन से बनाया जाता था और उसके ऊपर रिटन में लिखा जाता था, उसी चीज़ों से एरिस्टोक्रेटिक लोग पढ़ते थे। वाइल एज जो जितने भी कॉमन लोग थे लाइक एज मर्चेंट्स और स्टूडेंट्स, वो सबके सब ये प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे थे। बट क्योंकि एरिस्टोक्रेटिक लोगों को अपना यू नो वी कैन से शान दिखानी थी, दैट्स वाई वो एक्सपेंसिव पेपर पे हैंड रिटन चीजों से ही पढ़ते थे, ओके, और वो प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करते थे, ठीक है, ओके। अब मैं आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताती जा रही हूं कि उसके बाद बेसिकली कैसे कैसे प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी बढ़ी। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि स्टूडेंट्स और जितने भी मर्चेंट्स थे वो सबके सब प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छी तरीके से यूज़ लेते थे, ठीक है। तो ये जो स्टूडेंट्स और मर्चेंट्स थे, यू नो, इनकी वजह से बुक्स की डिमांड बहुत बढ़ने लग गई, ठीक है, यूरोप में ही नहीं बाकी सारे एरियाज़ में भी बुक्स की डिमांड बहुत बढ़ने लग गई, ठीक है। तो यूरोप के जितने भी बुक सेलर्स थे वो अपनी बुक्स प्रिंट कर करके और बाकी कंट्रीज़ में भी भेजने लग गए, ओके। यूरोप के अंदर ही, आप लोग को पता होगा कि यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, तो यूरोप के अंदर ही बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर बुक्स की डिमांड बहुत बढ़ गई। तो इसीलिए यूरोप के अंदर जितने भी बुक सेलर्स थे वो बुक प्रिंट कर करके और बाकी कंट्रीज़ में भी भेजने लग गए, ओके। एंड इसके बाद बेसिकली क्या हुआ कि बहुत सारे बुक फेयर्स ऑर्गेनाइज़ हुए। आजकल तो आप लोग को पता है जगह जगह पर बुक फेयर्स ऑर्गेनाइज़ होते ही रहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब सिर्फ प्रिंटिंग से ही काम नहीं चला, बेसिकली उस टाइम पे भी प्रिंटिंग जब इंट्रोड्यूस हुई उसके बाद भी बहुत ज़्यादा हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी जाती थी ताकि जो डिमांड जो है उसको पूरा कर सके। मैंने आप लोग को बताया था कि बेसिकली स्क्राइब्स जो होते हैं वो लोग होते हैं जो कि हैंड रिटन, यू नो, हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स और हैंड रिटन बुक्स बनाते हैं, ठीक है। तो पहले के ज़माने में क्या होता था, पहले के ज़माने में जिस टाइम की मैं बात कर रही हूँ उससे पहले बेसिकली क्या होता था कि जितने भी बड़े बड़े लोग थे ना सिर्फ वही स्क्राइब्स को हायर करते थे, ठीक है। बट अब क्या हुआ, अब क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई, लोगों को बहुत ज़्यादा बुक्स की नीड आने लग गई, इसलिए जो बुक सेलर्स थे वो भी स्क्राइब्स को हायर करते थे। एक बुक सेलर कम से कम 50 स्क्राइब्स को हायर करता था ताकि जो इंक्रीजिंग डिमांड है उसको पूरा करा जा सके। बट क्योंकि वो जो स्क्राइब्स हैं वो हैंड रिटन सब कुछ लिखते थे, तो सबसे पहला डिसएडवांटेज ये था कि टाइम बहुत लग जाता था, ठीक है, और इसलिए डिमांड पूरी नहीं हो पाता था, नहीं हो पाती थी, ओके। सेकेंडली, अब अगर कोई चीज़ कोई हैंड रिटन लिख रहा है तो वो एक्सपेंसिव होगी, ठीक है। थर्डली बेसिकली क्या होता था कि जिस चीज़ पे स्क्राइब्स लिखते थे वो होती थी मैन्यूस्क्रिप्ट्स, और वो बहुत पतली सी होती थी, बहुत वीक होती थी, बहुत फ्रेजाइल होती थी, ठीक है। तो इसलिए उनको एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं लेके आया जा सकता था क्योंकि वो बहुत ईजिली फट जाती थी, टूट जाती थी। ऑलरेडी उसके ऊपर किसी ने बैठ के कुछ लिखा है इतनी देर से तो वो ऑब्वियसली फट जाएगी, टूट जाएगी, ठीक है। तो इसलिए ये जो हैंड रिटन वाला मामला था ना, इसका सर्कुलेशन बहुत कम होने लग गया क्योंकि हर चीज़ में डिसएडवांटेज ही थे। एक बार अगर कोई एक प्रिंटिंग मशीन इंस्टॉल करवा ले तो वो फटाफट बुक्स प्रिंट करवा सकता है, बट एक इंसान को अगर हैंड रिटन कुछ करवाना हो तो उसको 50-60 स्क्राइब्स को हायर करना पड़ेगा। उसके बाद उस स्क्राइब्स को हायर करने के बाद भी बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और एक्सपेंसिव भी ज़्यादा है, इसलिए ये जो हैंड रिटन वाली चीज़ थी ना ये कम होने लग गई और प्रिंटिंग बढ़ने लग गई। और उसके बाद क्या हुआ कि बुक्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई, इसलिए यूरोप के अंदर वुड ब्लॉक प्रिंटिंग बहुत पॉपुलर होने लग गई। और 15 सेंचुरी के बाद वुड ब्लॉक्स जो थे वो यूरोप में बहुत पॉपुलरली यूज़ होते थे, ठीक है।
बेसिकली उस टाइम पे वुड ब्लॉक सिर्फ पेपर पे प्रिंट करने के लिए ही नहीं, टेक्सटाइल पे, प्लेइंग कार्ड्स पे और भी बहुत सारी चीज़ों पे प्रिंट करने के लिए वुड ब्लॉक्स ही यूज़ होते थे. ओके अब वुड ब्लॉक्स बहुत जगह यूज़ हो रहे थे, बट उसके बाद भी एक नीड थी कि और ज़्यादा चीपर और ज़्यादा अच्छा कोई ऐसा मेथड बनाया जाए जिससे प्रिंटिंग और इजी हो सके. ठीक है, फिर 1430 में बेसिकली एक जगह थी जर्मनी में जिसका नाम था स्ट्रैसबर्ग. स्ट्रैसबर्ग के अंदर जोहान गुटनबर्ग ने एक प्रिंटिंग प्रेस बनाई. आई एम रिपीटिंग अगेन, जर्मनी के अंदर एक जगह थी जिसका नाम था स्ट्रैसबर्ग. स्ट्रैसबर्ग के अंदर जोहान गुटनबर्ग ने एक प्रिंटिंग प्रेस जो कि डेवलप हुई थी 1430 में. ओके, नाउ वी विल स्टडी समथिंग अबाउट लाइफ ऑफ जोहान गुटनबर्ग. ठीक है, जोहान गुटनबर्ग जो थे वो एक मर्चेंट के बेटे थे. उनके जो पापा थे वो एक एग्रीकल्चरल एस्टेट पे काम करते थे. एग्रीकल्चरल एस्टेट मतलब कि एक एग्रीकल्चरल लैंड पे काम करते थे. एंड उस बचपन से ही बेसिकली जो जोहान गुटनबर्ग थे उन्होंने ओलिव प्रेसेस और वाइन प्रेसेस देखी थी. ठीक है, ओलिव प्रेसेस मतलब ऐसी प्रेसेस जहाँ पर ओलिव से ऑयल प्रोड्यूस होता है, और वाइन प्रेसेस मतलब ऐसी प्रेसेस जहाँ पर ग्रेप से वाइन प्रोड्यूस होती है. ठीक है, तो ओलिव प्रेस और वाइन प्रेस का आइडिया लेके ही जोहान गुटनबर्ग ने जो प्रिंटिंग प्रेस का आइडिया था वो बनाया था. बेसिकली क्या होता था कि किसी भी फ्लैट सरफेस पे ओलिव को रख के उस पर प्रेशर लगाया जाता था और उसको दबाया जाता था. इस तरीके से ओलिव से ऑयल निकाला जाता था. ठीक है, यही आइडिया जोहान गुटनबर्ग ने प्रेस पे लगाया, प्रिंटिंग प्रेस पे. उन्होंने क्या सोचा कि एक पेपर को रखकर अगर मूविंग लेटर के ब्लॉक्स उस पे लगाए जाएं प्रेशर के साथ, तो जो मूविंग लेटर्स के ब्लॉक लगाए जाएंगे वो पूरे के पूरे पेपर के ऊपर प्रिंट हो जाएंगे. तो इसी बेसिकली जो ओलिव प्रेस और वाइन प्रेस, इन दोनों के आइडिया से रिलेट करके ही जोहान गुटनबर्ग ने एक प्रिंटिंग प्रेस बनाई. ओके, सो दिस इज़ अ वेरी कॉमन स्टोरी जो कि आप लोग की बुक में भी मेंशन की हुई है. बेसिकली 1448 के अंदर उन्होंने अपनी फर्स्ट बुक प्रिंट करी जिसकी उन्होंने 180 कॉपीज़ बनाई. बेसिकली उन्होंने बाइबल प्रिंट करी थी जिसकी उन्होंने 180 कॉपीज़ बनाई, और उनको 3 साल लग गए ये पूरी की पूरी कॉपीज़ को बनाने के अंदर और प्रिंट करने के अंदर. ओके, तो ऐसा नहीं था कि इस प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी के आने से पूरा का पूरा हैंड रिटन काम बंद हो गया हो. ठीक है, हैंड रिटन काम जो था वो तब भी चल रहा था. हैंड रिटन काम जो था वो बेसिकली कैसे चल रहा था, यूजुअली बहुत सारे पार्ट्स में क्या होता था कि जो लिखने वाला पार्ट है, ठीक है, जो लिखने वाला पार्ट है वो पूरा प्रिंट करवा दिया जाता था. ठीक है, वाइल एज जो डेकोरेशन वाला पार्ट है और जो पेंटिंग्स का पार्ट है वो मैन्युअली लोगों से करवाया जाता था, हाथ से किसी से करवाया जाता था. फॉर एग्जाम्पल जो बॉर्डर की डेकोरेशन के लिए फोलिएज यूज़ किए जाते थे, फोलियज मतलब कि पत्ते यूज किए जाते थे. ठीक है, तो पहले क्या करवाया जाता था कि पूरी की पूरी बुक्स के अंदर जो भी टेक्स्ट वाला पार्ट है वो प्रिंट करवा दिया जाता था. उसके बाद पेंटिंग्स बनाने का काम, बॉर्डर्स बनाने का काम, पैटर्न्स बनाने का काम वो हाथ से करवाया जाता था. ठीक है, ऐसे ऐसे करके ये जो पूरा ऐसे पूरा फेज़ गया. उसके बाद एक फेज़ आया 1450 से लेकर 1550 में. ये 100 ईयर्स का फेज़ था जिसके अंदर प्रिंटिंग प्रेस जो थी वो पूरे के पूरे यूरोप में बन गई थी. ऑलमोस्ट हर जगह यूरोप के अंदर प्रिंटिंग प्रेस थी. ओके, तो जैसे जैसे प्रिंटिंग प्रेस इंक्रीज़ होती जा रही थी, बुक्स का जो प्रोडक्शन था वो बढ़ता जा रहा था. 15th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में, इसका क्या मतलब हुआ कि 1450 के बाद वाले टाइम पे 20 मिलियन कॉपीज़ बन गई थी प्रिंटेड बुक्स की जो कि यूरोप के मार्केट में थी. 16th सेंचुरी के अंदर तो 200 मिलियन कॉपीज़ बन गई थी बुक्स की जो कि यूरोप के मार्केट्स में थी. ठीक है, इसके अलावा आप लोग की बुक में बताया गया है कि जैसे ही मैकेनिकल प्रेस आ गई, जैसे ही प्रिंटिंग प्रेस बनी, तो उसके बाद बेसिकली क्या हुआ कि एक प्रिंट रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया. ठीक है, हैंड प्रिंटिंग और वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से लेकर जो भी मैकेनिकल प्रेस तक का पूरा एरा था वो मैंने आप लोग को डिस्क्राइब किया कि कैसे कैसे कर प्रिंटिंग प्रेस डेवलप हुई एंड ऑल ऑफ दैट. अब वी विल स्टडी अबाउट द प्रिंट रिवॉल्यूशन. जो प्रिंट रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद, अपन उसके बारे में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, ओके, द नेम ऑफ द न्यू टॉपिक इज प्रिंट रिवॉल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट. ठीक है, जैसे ही प्रिंट की टेक्नोलॉजी डेवलप हुई थी तो वो कोई एक सिंपल मतलब कोई ऐसे ही छोटा मोटा काइंड ऑफ डेवलपमेंट नहीं था. प्रिंट की टेक्नोलॉजी डेवलप होने की वजह से बहुत सारे लोगों की लाइफ जो थी वो ट्रांसफॉर्म हो गई थी. ठीक है, क्योंकि ऐसा इसलिए था क्योंकि प्रिंट की टेक्नोलॉजी आने के बाद मार्केट के अंदर बहुत फ्लुएंटली, बहुत ईजीली, बहुत चीप कॉस्ट पे बुक्स मिल जाती थी. ठीक है, इस
चीज़ की वजह से बहुत सारे लोग बुक्स को ख़रीद पाते थे और बहुत सारे लोग नॉलेज गेन कर पाते थे। ओके, लोगों के परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करने का काम किया बुक्स ने, लोगों के अंदर किसी भी यू नो सोशल एक्टिविटी को लेकर वी कैन से जागरूकता दिलवाई बुक्स ने। तो ऐसे बहुत सारे काम बुक्स ने किए जिसकी वजह से लोगों को बहुत नॉलेज मिली और वो काम लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहे। ओके, तो इसीलिए जो ये प्रिंट है इसको रिवोल्यूशन का नाम दिया गया है। ओके, नाउ वी विल स्टडी अ टॉपिक कॉल्ड अ न्यू रीडिंग पब्लिक। ठीक है, जैसे ही प्रिंटिंग प्रेस आई तो एक नया ग्रुप इमर्ज हो गया रीडिंग का। ठीक है, क्योंकि प्रिंटिंग की वजह से बुक्स की कॉस्ट रिड्यूस हो गई थी। ठीक है, बुक्स की कॉस्ट क्यों रिड्यूस हो गई थी, क्योंकि मशीन्स बन गई थी। राइट, मशीन्स बन गई थी बुक्स को प्रिंट करवाने के लिए, तो कोई लेबर नहीं चाहिए था, कुछ टाइम नहीं चाहिए था, बहुत ईजिली बुक्स प्रिंट हो जाती थी। ठीक है, बहुत सारी कॉपीज एक ही टाइम पर प्रिंट हो जाती थी बहुत ईजिली, तो इसीलिए मार्केट जो था वो पूरा का पूरा बुक्स भर गया। और इस तरीके से जो बुक्स हैं उनके लिए बेसिकली एक नई रीडरशिप चालू हो गई, एक नए कैटेगरी के लोग सबके सब बुक्स को पढ़ना उन्होंने चालू कर दिया। ओके, तो पहले के टाइम पर जब बुक्स डेवलप नहीं होती थी तो बेसिकली क्या होता था कि एक ही जगह पर बहुत सारे लोग कलेक्ट हो जाते थे और एक ही चीज़ को सुनते थे। लाइक कोई एक जना गाना गा रहा है, बलाड गा रहा है, बलाड मतलब कि एक कोई भी स्टोरी को यू नो गाने के फॉर्म में गाने को बोलते हैं बलाड। तो कोई भी एक जना बलाड गा रहा है, तो पहले के टाइम पर क्या होता था कि बहुत सारे लोग सिर्फ एक उस जगह पर इकट्ठा होकर वो चीज़ सुनते थे। ठीक है, बट अब क्या होने लग गया, अब क्योंकि बुक्स आने लग गई तो हियरिंग ऑडियंस के साथ साथ एक रीडिंग ऑडियंस भी बन गई। ठीक है, रीडिंग ऑडियंस मतलब कि ऐसे लोग भी बन गए जिनको बुक्स पढ़ना आता था। ओके, बट बेसिकली प्रॉब्लम क्या थी कि ये जो ट्रांजिशन था ना, ये सिंपल नहीं था। मतलब ट्रांजिशन मतलब कि ये जो बदलाव, ये सिंपल नहीं था, क्योंकि यूरोप के अंदर बहुत सारे लोगों को पढ़ना ही नहीं आता था, तो लिटरेसी रेट यूरोप के अंदर बहुत कम थी, तो बहुत सारे लोगों को 20th सेंचुरी तक भी पढ़ना नहीं आता था। 20th सेंचुरी मतलब 1900 से 2000 तक का जो पूरा टाइम है उसको बोलते हैं अपन 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी तक भी बहुत सारे लोगों को पढ़ना नहीं आता था, तो इसीलिए बेसिकली ये जो ट्रांजिशन था ये सिंपल नहीं था, क्योंकि यूरोप के अंदर लिटरेसी रेट्स इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो अब जो बुक्स के पब्लिशर्स थे उनके अंदर टेंशन हो गई कि अब हम लोगों को क्या बोले, अगर किसी को पढ़ना नहीं आता है तो हम उसको कैसे बोले कि तुम हमारी बुक खरीद लो। ओके, तो बेसिकली पब्लिशर्स ने कुछ आइडियाज़ बनाए, कुछ ट्रिक्स बनाई। उन्होंने सोचा कि हम लोग अपनी बुक्स के अंदर सब ज़्यादा बलाड्स डालेंगे, बलाड्स मतलब कि ज़्यादा गाने डालेंगे, बेसिकली किसी भी स्टोरी को गाने के फॉर्म में गाने को बोलते हैं बलाड। ओके, बलाड्स उन्होंने सोचा कि हम अपनी बुक में बलाड्स डालेंगे और फोक टेल्स डालेंगे, ठीक है, कहानियाँ डालेंगे, उसके अलावा पिक्चर्स डालेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी बुक परचेज़ करने में इंटरेस्टेड हों। जिनको अगर रीडिंग नहीं भी आती है वो भी यू नो पिक्चर्स वाली बुक देख के हमारी बुक परचेज़ करें। ओके, ऑल्सो बहुत सारे पब्लिशर्स ऐसी लैंग्वेज यूज़ करते थे अपनी बुक के अंदर जो कि बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज हो, ठीक है, ताकि जब कोई उस बुक को सुने, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पढ़ना नहीं आता था, तो विलेज में क्या होता था कि टॉवर्न्स लगते थे। टॉवर्न्स मतलब कि एक जगह पर एक जना कोई चीज़ बहुत तेज़ बोल रहा है एंड बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, ठीक है, तो विलेज के अंदर टॉवर्न्स लगते थे, तो उस टॉवर्न्स के अंदर नॉवल्स पढ़ी जाती थी, बुक्स पढ़ी जाती थी। तो जो पब्लिशर्स थे वो अपनी बुक की लैंग्वेज ऐसी रखते थे कि ताकि अगर हमारी बुक को कोई सुने भी तो भी उसको हमारी बुक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे। ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द टॉपिक रिलीजियस डिबेट्स एंड द फियर ऑफ प्रिंट। बेसिकली प्रिंट की वजह से क्या हो रहा था कि नए नए आइडियाज़ सर्कुलेट हो रहे थे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर मुझे किसी अथॉरिटी से प्रॉब्लम है, ठीक है, किसी के रूल से प्रॉब्लम है, या फिर अगर किसी कोई किंग से प्रॉब्लम है, तो मैं बेसिकली क्या करूँगी, कुछ लिखूँगी, उसको प्रिंट कराऊँगी और सर्कुलेट करवा लूँगी, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा कि मेरे आइडियाज़ बहुत सारे लोगों तक पहुँच जाएंगे, और इसकी वजह से मैं बहुत सारे लोगों को परसुएट कर पाऊँगी, मैं बहुत सारे लोगों की थिंकिंग चेंज कर पाऊँगी। ओके, और मैं बहुत सारे लोगों को कुछ एक्शन में भी मूव करवा सकती हूँ। फॉर एग्जांपल, मैंने लोगों को बोला कि ये जो किंग है ये चीज़ें कर रहा है, और मैंने लोगों को परसुएट कर दिया, और लोग जो हैं वो वॉर करने के लिए तैयार हो गए, ठीक है। तो प्रिंटिंग की वजह से बेसिकली क्या हो रहा था कि बहुत सारे लोग अपने आइडियाज सर्कुलेट कर पा रहे थे। इसकी वजह से जो लोग हैं उनकी थिंकिंग चेंज हो रही थी, एंड उसके अलावा लोग जो थे उनका परसेप्शन चेंज हो रहा था, ठीक है। अलग अलग चीज़ों में इसके अलग 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 स्फेयर्स ऑफ लाइफ में इसके अलग अलग सिग्निफिकेंस है। फॉर एग्जांपल, अगर अभी तो मैंने आप लोग को किंग का एग्जांपल दिया, ठीक है, ऐसे ही किसी रिलीजन के साथ भी हो सकता है कि कोई इंसान किसी रिलीजन की बुराई कर दे, ओके, एंड उसको प्रिंट करवा दे। तो ऐसे अलग अलग स्फेयर्स के अंदर इस चीज़ का अलग अलग सिग्निफिकेंस था।
तो कोई भी इस प्रिंट वाले वर्ल्ड को सपोर्ट नहीं कर रहा था। जो लोग सपोर्ट कर रहे थे वो भी बेसिकली टेंशन में थे कि ये जो बुक्स प्रिंट हो रही हैं इसकी वजह से लोगों के माइंड के ऊपर बुरा इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। बहुत लोगों को ये डर लगता था कि ये जो प्रिंटिंग है इसकी वजह से लोगों के अंदर इरिलीजियस और रिबेलियस थॉट आ जाएंगे। रिबेलियस मतलब वही वॉर से रिलेटेड, और इरिलीजियस आप लोग को पता ही होगा रिलीजन ना फॉलो करने के। तो बहुत सारे लोगों को डर लगता था कि ये जो प्रिंटिंग है इसकी वजह से रिबेलियस और इरिलीजियस थॉट आ जाएंगे लोगों के माइंड के अंदर। नाउ आप लोग की बुक में मार्टिन ल्यूथर से रिलेटेड एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। बेसिकली मार्टिन ल्यूथर ने उन्होंने 95 थेसिस लिखे थे जिसके अंदर उन्होंने कैथोलिक चर्च की प्रैक्टिसेस को क्रिटिसाइज़ किया था। मतलब कि मैं आप लोग को बताती हूँ, देखो मार्टिन ल्यूथर खुद खुद एक प्रोटेस्टेंट थे, ठीक है, और उन्होंने कैथोलिक की जितनी भी एक्टिविटीज़ थी ना उनको क्रिटिसाइज़ किया था। क्रिटिसाइज़ मतलब कि किसी को जज करना और किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलना, इस चीज़ को बोलते हैं क्रिटिसिज्म, ठीक है। बेसिकली उन्होंने 95 थीसिस के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखी थी जो कि कैथोलिक्स लोग और कैथोलिक चर्च के अंदर गलत हो रही है। इसको लिखने के बाद ये जो उन्होंने लिखी थी 95 थीसिस, ये बहुत लोगों तक पहुँच गई, बहुत लोगों ने ये पढ़ा, ठीक है। एंड इसके बाद बेसिकली एक प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन स्टार्ट हो गया था, एक मूवमेंट स्टार्ट हो गया था पूरा का पूरा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं मार्टिन ल्यूथर ने सिर्फ एक चीज लिखी, इसकी वजह से जितने भी प्रोटेस्टेंट लोग थे और जितने भी लोग थे बेसिकली उन लोग के माइंड के अंदर उन लोग के माइंड को इम्पैक्ट करा उस चीज ने, एंड इस चीज की वजह से एक पूरा का पूरा प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो बेसिकली उसके बाद मार्टिन ल्यूथर ने क्या बोला, प्रिंटिंग इज़ द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन। उसके बाद मार्टिन ल्यूथर ने बोला क्योंकि प्रिंटिंग की वजह से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सारे लोगों के सामने रख पाया हूँ, इसलिए प्रिंटिंग जो है वो गॉड का गिफ्ट है और बहुत बड़ा गिफ्ट है, ठीक है। बहुत सारे लोग जो थे वो ये भी सोचते थे कि प्रिंटिंग की वजह से बेसिकली क्या हुआ है, एक इंटेलेक्चुअल एटमोसफेयर बना है। इंटेलेक्चुअल मतलब कि इंटेलेक्चुअल बेसिकली अगर मैं बात करूँ इंटेलेक्चुअल पर्सन, तो एक ऐसा पर्सन जिसके अंदर बहुत ज़्यादा दिमाग हो, जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, उसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल पर्सन। तो बहुत सारे स्कॉलर्स का यह मानना था कि प्रिंटिंग की वजह से एक इंटेलिजेंट एक इंटेलेक्चुअल एटमॉस्फेयर बना है जिसके अंदर कोई भी अपना आइडिया सामने रख सकता है और जिसकी वजह से रिफॉर्मेशन हो सकता है। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि इस केस के अंदर प्रोटेस्टेंट का रिफॉर्मेशन हो गया था, एक पूरा का पूरा मूवमेंट स्टार्ट हो गया था, ठीक है, क्योंकि मार्टिन ल्यूथर ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था 95 थीसिस। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो, दैट इज प्रिंट एंड डिसेंट। अच्छा, अब डिसेंट का क्या मतलब होता है, नॉर्मल लोगों से थोड़ा सा अलग सोचना, ठीक है। बेसिकली अगर अगर अपन 100 लोग हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल दीज आर 100 पीपल, ठीक है, 100 लोगों के अंदर से अगर दो लोग ये सोच रहे हैं कि समझो दो लोग कुछ अलग सोच रहे हैं, तो मैं क्या बोलूँगी, टू मेंबर्स डिसेंटेड फ्रॉम द मेजॉरिटी, ठीक है। मतलब इन दो लोगों की सोच मेजॉरिटी के लोगों की सोच से अलग है, ठीक है। तो प्रिंट की वजह से ये सारी चीज़ें भी हो गई थी, दैट आई विल टेल यू हाउ। आप लोग की बुक में एक इटली के माइलर की स्टोरी दी हुई है जिसका नाम है मेनोकियो। बेसिकली मेनोकियो जो था उसने पूरी की पूरी बाइबल पढ़ी और उसने गॉड के बारे में गलत परसेप्शंस बना लिए। वो ये मानने लगा कि जीजस जो है वो हमारी जैसे ही कोई इंसान है, और उसके अलावा वो ये भी मानने लगा कि जीजस के पास कोई भी स्पेशल पावर्स नहीं है, ठीक है। तो उसके ये मानने की वजह से जो कैथोलिक चर्च के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो गए, उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगा, एंड इस चीज़ की वजह से उसके बाद कैथोलिक चर्च के लोगों ने उसको एग्जीक्यूट कर दिया। एग्जीक्यूट मतलब कि कैथोलिक चर्च के लोगों ने उसको डेथ पे भेज दिया। तो ऐसे बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ के या फिर कोई भी बुक पढ़ के अलग अलग परसेप्शंस बनाने लग गए थे। तो इस चीज़ की वजह से जो कैथोलिक चर्च के लोग हैं वो बहुत परेशान हो गए थे, ठीक है, क्योंकि बाइबल पढ़ के और बहुत सारी अलग अलग टाइप की बुक्स पढ़ के लोग जो हैं वो भगवान के ऊपर क्वेश्चन करने लग गए और भी बहुत सारे अजीब अजीब से क्वेश्चन करने लग गए। तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा तंग आ चुके थे चर्च के लोग, कैथोलिक चर्च के जो लोग थे वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा तंग आ चुके थे और वो चाहते थे कि ये जो पब्लिशर्स हैं और ये जो बुक सेलर्स हैं इन पे कुछ कंट्रोल हो, और इस चीज की वजह से उन्होंने एक इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स पास किया 1558 में।
उसके अंदर उन्होंने, आप लोग की बुक में नहीं बताया गया है बट मैं आप लोग को बता देती हूँ, बेसिकली कैथोलिक चर्च के जो लोग थे उन्होंने एक लिस्ट ऑफ बुक्स निकाली थी जो उन्होंने बोला था कि ये जो सारी बुक्स हैं इसको बैन कर देना चाहिए क्योंकि ये सारी बुक्स जो कैथोलिक्स के मॉरल्स हैं और कैथोलिक्स के जो फेथ हैं ठीक है उसके ऊपर क्वेश्चन कर रही है. ओके तो दैट इज़ इट फॉर दिस पार्ट. बेसिकली मैं इस चैप्टर के 3 पार्ट्स बनाने वाली हूँ. नेक्स्ट वीडियो विल बी आउट नेक्स्ट वीक, तो प्लीज़ वेट टिल नेक्स्ट वीक एंड ये चैप्टर नेक्स्ट वीक तक ख़त्म हो जाएगा. तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स. थैंक यू एंड हैव अ नाइस.